अलीगढ़ जनपद हाथरस के कस्बा सिकंदर राव में साध्वी प्राची को पुलिस द्वारा कासगंज जाने से रोके जाने के बाद अलीगढ़ पहुंची प्राची साध्वी ने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, नहीं तो पाकिस्तान जाना होगा। हमने मुजफ्फरनगर दादरी के बाद अब कासगंज में चंदन को खो दिया। वंदे मातरम का विरोध करने वालों के साथ कड़ी कार्यवाही करने के साथ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से समुदाय विशेष के लोगों को निकाल दिया जाना चाहिए। कासगंज की घटना में पुलिस प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की सपा वाली मानसिकता नहीं बदली। इस बात की शिकायत वह मुख्यमंत्री योगी से करेंगे। अलीगढ़ में एटा सांसद राजवीर सिंह के घर पहुंची साध्वी प्राची ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव, दादरी में अखिलाफ कांड के बाद जेलर ने जेल में राहुल को पीट पीट कर मार डाला। अब कासगंज में गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा रैली में वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे लगाने पर समुदाय विशेष ने विरोध किया और वह बवाल हुआ, जिसमें एक हिंदू कार्यकर्ता चंदन की मौत हो गई। आज मैं उसके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए कासगंज जा रही थी कि तभी मुझे पुलिस ने सिकंदर राव में रोक लिया और कासगंज नहीं जाने दिया। कासगंज में हुई घटना पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है। अधिकारी अभी सपा वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे। इस बात की शिकायत वह मुख्यमंत्री से करेंगे। अखिलाफ कांड के बाद पुलिस ने हिंदुओं के गांव खाली करा दिए थे। आज समुदाय विशेष क्षेत्र में रहने वाले हिंदू बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले समुदाय विशेष के लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, नहीं तो पाकिस्तान जाना होगा। देखिए, मैं कासगंज इसीलिए जा रही थी, हमने मुजफ्फरनगर के अंदर गौरव और सचिन को खो दिया, दादरी के अंदर एक अखलाक मारा गया, एक घटना घटी, वहां पूरा का पूरा हिंदुओं से, हिंदुओं के गांव को, पूरे के पूरे हिंदुओं को खाली करा दिया। दादरी वाला जो राहुल था उसको मुस्लिम जेलर ने पीट पीट करके हत्या कर दी। इस समय राहुल और चंदन हमारे हिंदू संगठन के दो बालक गणतंत्र दिवस पर किसी के घर में नहीं घुस रहे थे, कोई अपराधी नहीं थे वो, और उन्हें उनके साथ में जिस तरह से उनका कत्ले आम किया गया, भारत माता की जय बोलते हुए, वंदे मातरम बोलते हुए वो जा रहे थे, जश्न मना रहे थे गणतंत्र दिवस का, तो मैं इसीलिए जा रही थी उसके परिवार को सांत्वना देने। हिंदू समाज के मेरे दो परिवार बर्बाद हो गए, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत आहत हूँ, इसलिए मैं कुछ कहने में सक्षम नहीं हूँ। कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, योगी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे, प्रशासन की गलती है, प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए था। गणतंत्र दिवस पर आखिर कोई भी घटना घट सकती है, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन ले। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं उसमें 100 हिंदुओं के घर है, अगर मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उसमें 100 हिंदुओं के घर है तो सुरक्षित नहीं है। हिंदू बाहुल्य कॉलोनियों से मुस्लिमों से खाली कराई जाए, मेरी ये मांग है और मैं मांग करूँ। इनके संस्कार सपा बसपा के हैं, मैं जाकर के मिलूंगी योगी जी से, इसीलिए तो हाँ इसीलिए 10 साल मेरी बात हुई है, सीधे सीधे योगी जी का फोन आया है, सीधे सीधे वहाँ से बात हुई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और तुरंत उन्हें गिरफ्तार करने की मैंने बात की है, 24 घंटा दिया, नहीं तो मैं फिर जाऊंगी तुरंत। आखिर उन दुष्टों के इतने हौसले बुलंद है कि उनको पिछली सरकारों ने जो उनको छूट दी है उसका परिणाम हिंदू भुगत रहा है। अलीगढ़ से इस खबर की कवरेज के लिए प्रकाश सिंह, एवी लाइव न्यूज़, अलीगढ़।